आज हम जो मोटो व्लॉग सेटअप करने वाले हैं उसमें ये सारे प्रोडक्ट यूज होंगे एंड आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम एक बेस्ट हेलमेट सेटअप बना सकते हैं जिसे हम लॉन्ग टाइम तक मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही इसकी कॉस्ट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सभी आवारा भाइयों को जय सी आराम। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप एक सबसे बेस्ट मोटो ब्लॉक हेलमेट सेटअप बना सकते हैं और उसके लिए कुछ एक्सेसरीज आपको लगी, इन सब की लिस्ट और इन सब का प्राइस और एक मोटो ब्लॉक की कॉस्ट क्या होती है ये आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मैं आपको इसे बेस्ट प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए मोटो व्लॉग सेटअप देंगे और जिससे आप अपनी बाइक पे बहुत बढ़िया बढ़िया ऑसम मोटो व्लॉगिंग कर सकेंगे। और साथ ही में मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस पार्ट का क्या यूज होता है जो कि आपको मोटो व्लॉगिंग में हेल्प करेगा। तो देर किस बात की, हेलमेट को सेटअप करना शुरू करते हैं, थोड़ा पास आ जाओ। ये है ब्लू आर्मर का चिन माउंट। अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की है कि अब हमें एम सील जैसी जहरीली चीज हेलमेट में नहीं लगानी पड़ेगी और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वन टाइम यूज के लिए है और अगर बाद में आपको इसको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसको इजिली रिमूव भी कर सकते हैं और ये आपके हेलमेट को किसी तरह का डैमेज भी नहीं करेगा। इसको लगाने से पहले आप अपने हेलमेट की सरफेस को किसी कॉटन या माइक्रोफाइबर के क्लोथ से अच्छी तरह से क्लीन कर लें। उसके बाद डिसाइड कर लें कि आपको हेलमेट में किस पोजीशन पे चिन माउंट को अप्लाई करना है। सबसे पहले 3M टेप को रिमूव कर लें। अब आप इसको एक साइड से प्रिसाइसली इसको लगाना शुरू कर दो और धीरे धीरे पूरे एरिया में इसको अच्छे से पेस्ट कर दो। लगाने के बाद हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसको अच्छे से पेस्ट कर दो। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उसकी हेल्प से इसको 30 सेकंड के लिए हीट कर दो और अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको डायरेक्ट सन में रख दो। उसके बाद ये पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और चिन माउंट आपके हेलमेट में लग जाएगा। इसका प्राइस आपको 400 रुपीज का अमेज़न पे मिलेगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। मोटो व्लॉगिंग के लिए मैंने GoPro 8 Black को चूज किया बिकॉज़ अमेज़न की सेल में मुझे ये सिर्फ 25,000 में मिल गया। बट अगर आप अब एक नया GoPro लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप GoPro 9 परचेज करें जो आपको अभी 28,000 से 29,000 रुपीज में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको एक अच्छा सा SD कार्ड की जरूरत होगी जो हाई स्पीड के साथ ही 4K रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करे। एटलीस्ट 28GB से कम का SD कार्ड तो मत ही परचेस करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SD कार्ड का प्राइस आपको 1200 का पड़ेगा फॉर 128GB। नेक्स्ट स्टेप में आपको GoPro की केसिंग की जरूरत पड़ेगी जिसको आप अपने हेलमेट में माउंट कर सकेंगे। हाउसिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। कई बार GoPro जमीन में गिर जाता है जिसकी वजह से केसिंग ब्रेक हो जाती है मगर GoPro बच जाता है, इसलिए हम यूलांजी का GoPro केस यूज करेंगे। इसको ओपन करके आप GoPro को इसके अंदर प्लेस कर लेंगे। उसके लिए आपको GoPro की बैटरी कवर को रिमूव करना पड़ेगा। यूलांजी केस का प्राइस आपको 1200 का पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगले स्टेप में हमें माइक अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि GoPro में एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं आता, इसलिए हमें इस तरह के अडेप्टर की जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल माइक को अटैच करने के लिए। माइक अडेप्टर का प्राइस मुझे 4200 का पड़ा था लेकिन अभी इसका प्राइस 4500 का है। अब हमें इस माइक अडेप्टर को यूलांजी केस के अंदर अच्छी तरह से प्लेस करना होगा और GoPro के सी टाइप पोर्ट से इसको कनेक्ट करना है। अब हमें एक अच्छे से माइक की जरूरत पड़ेगी। माइक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है तो आपका वीडियो व्यूवर्स की अटेंशन नहीं ले पाता, इसलिए हम माउनो AU400 माइक का यूज करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट माइक अवेलेबल फॉर मोटो व्लॉगिंग और इसकी नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट स्टेप में हम हेलमेट के अंदर माइक को प्लेस करेंगे। इसके लिए आपको अपने हेलमेट की पैडिंग को रिमूव करना होगा और पैडिंग के अंदर ही थोड़ा डीप साइड में आपको माइक की वायर्स को प्लेस करना होगा और ट्राई करना कि माइक और उसका पिन दोनों एक ही साइड की तरफ से निकलें और फिर माइक को साइड में प्लेस कर दो जिससे कि आप जब ब्रीथ करो तो आपकी जो एयर है वो आपके माइक के अंदर ना जा सके जिसकी वजह से अननेसेसरी डिस्टॉर्शन महसूस होगा। इस माइक का प्राइस है 400 रुपीज। अगर आप बाइक ट्रिप करने वाले हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी वरना रास्ते में जब GoPro की बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए आपको एक दूसरी बैटरी की जरूरत पड़ेगी। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जैसे ही मेरी पहली बैटरी ड्रेन होती है मैं उसको चार्जर में लगा के पावर बैंक में अपने बैक टैंक में लगा देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरी दूसरी बैटरी ड्रेन हो जाती है मेरी फर्स्ट बैटरी चार्ज हो जाती है। GoPro की ओरिजिनल बैटरी मैंने 15
1300 रुपीज में परचेज की थी और चार्जर आपको 700 रुपीज में मिल जाएगा। अब आपको फाइनल स्टेप में जे हुक माउंट की जरूरत पड़ेगी, जो हेलमेट के माउंट से आपके गोप्रो की केसिंग को अटैच करता है। यह है रोटेटेबल माउंट हुक, जिससे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन से रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसका प्राइस है 160 रुपीज। अब हम जे हुक को हेलमेट में अटैच करेंगे और फिर हमारे प्यारे गोप्रो को इसके साथ माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद स्क्रू को बहुत अच्छे से टाइट कर दो, ताकि ज्यादा हवा चलने पर भी ये ना गिरे ना ही हिले। अब फाइनल स्टेप में आपको अपने माइक की वायर को अडेप्टर में कनेक्ट कर देना है। तो लो, हो गया आपका प्यारा मोटो व्लॉग सेटअप रेडी। कैसा लग रहा है मेरा मोटो व्लॉग सेटअप, कमेंट करके अपनी टिप्पणी दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये सेटअप और मेरा हेलमेट कैसा लग रहा है? आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, और अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता हूँ। अब इसको हमने मोटो व्लॉग सेटअप तो बना लिया है, लेकिन साथ में इसका टेस्ट करना तो बनता है। तो चलो एक राइड करके दिखाता हूँ, उसमें इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, कैसी इसकी एडजस्टमेंट है, देन डिसाइड करते हैं कि ये वर्थफुल है या नहीं। आर्मी लोगों का आना जाना होता है तो रोड तो चकाचक होना ही चाहिए, और ये ट्रैफिक इस एरिया में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव लग जाता है, ढोलकों लग जाता है ना, तो वहाँ से ले ओवर करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों, सेटअप बिल्कुल टिप टॉप वर्क कर रहा है, बस थोड़ी सी एंगल का इशू है। कैमरा को थोड़ा सा टॉप के ऊपर रखने की जरूरत है, इसके लिए एक्सटेंडर माउंट की जरूरत पड़ती है, जिसका सलूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। टिल देन बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय सियाराम।